ना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आपको लाभ नहीं मिलेगा तब तक हम, जब तक दम है छाती में, मोर लगेगी हाथी में। हम सभी लोग आप लोगों को शासन प्रशासन को जानकारी नहीं है वो सब। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे आप, बहुजन समाज पार्टी, क्या है पूरा मामला? ये जो देवास जिले की तहसील बागली के ग्राम मातमोर में से नेशनल हाईवे निकल रहा है, उस हाईवे से जो है वहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जो गरीब परिवार के लोग हैं, करीबन 20 परिवार के लोग हैं जिनके मकान वहाँ पे टूट रहे हैं उसके अंदर, तो उनको मुआवजा कम दिया जा रहा है। तो हमारी शासन से जो है ये मांग है बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से कि उनको जो है ज़मीनें दी जाए और वहाँ पे मकान बना के दिया जाए उनको, और अगर ऐसा ना होता है तो बहुजन समाज पार्टी इसको बड़े रूप पे जो है इस आंदोलन को सक्रिय रखेगी और जो है हमें जो है और भी जो है कड़ा रूप अपनाना पड़े तो बहुजन समाज पार्टी वो रूप अपनाने के लिए तैयार है। कितने लोगों के मकान होंगे वहाँ पे? वहाँ 20 परिवार के लोग हैं। और मुआवजा राशि कितनी कितनी आ रही है उनको? बहुत कम मुआवजा राशि दी जा रही है उनके समान, जिससे जो है उनका मकान जो है नहीं बन पाए इतनी राशि मिल रही है। अच्छा, सुनवाई नहीं होती तो क्या कदम रहेगा अगला? बहुजन समाज पार्टी होकर आंदोलन करने का आगे काम कदम उठाएगी। ठीक है, आपका परिचय। मैं रमेश कुमार, बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष देवास, मध्य प्रदेश।